भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का विवाद भी इन लोगों ने दशकों से लटकाया हुआ था। कांग्रेस अगर चाहती तो उसका समाधान निकाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की ही परवाह की। कांग्रेस की सोच से देश समाज का नुकसान हुआ। झारखंड के डाल्टनगंज में पीएम मोदी ने रैली की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 80 के दशक में जब हमारा जनाधार नहीं था तो कांग्रेस हमारा मजाक बनाया करती थी, लेकिन तब भी यहाँ फूल खिला करता था। और बीजेपी ने आज तक सामाजिक न्याय के 5 सूत्रों पर काम किया है, स्थिरता, सुशासन, समृद्धि, सम्मान और सुरक्षा। बीजेपी ने झारखंड को स्थिर सरकार दी है, झारखंड में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दिन रात काम किया है और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई है और समृद्धि का मार्ग खोला है। महाराष्ट्र मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत को यह तय करना है कि फ्लोर टेस्ट राज्यपाल के मुताबिक 30 नवंबर को होगा या पहले। अदालत में कपिल सिब्बल ने अदालत से तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की। देवेंद्र फडणवीस के वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि अजित पवार एनसीपी विधायक दल के नेता हैं, उनके पास 54 विधायकों का आंकड़ा है। रोहतगी ने अदालत से कहा कि राज्यपाल का काम समर्थन की चिट्ठी को परखना नहीं है, उनके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर शनिवार को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने को चुनौती दी है। मुंबई में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता राजभवन जाकर अपने गठबंधन को समर्थन देने वाले विधायकों की लिस्ट अधिकारियों को सौंपी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान देवेंद्र फडणवीस सरकार गिर जाएगी, ऐसे में बहुमत होने के कारण उन्हें बुलाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अजीत पवार ने गलत ढंग से समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी, उनके पास बहुमत नहीं है, अजीत पवार के साथ केवल एक विधायक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को मनाने के लिए एनसीपी नेता छगन भुजबल उनके घर पहुंच गए। अजीत पवार जब अपने घर से दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी वक्त छगन भुजबल उनके घर पहुंच गए। एनसीपी को एक और बड़ी सफलता मिली है, उसके 3 विधायक दिल्ली से मुंबई लौट गए। अनिल पाटिल, दौलत दरोड़ा और नरहरी झिरवल दिल्ली से मुंबई लौट गए। इसके बाद एनसीपी ने दावा किया कि अजीत पवार के पास अब सिर्फ एक विधायक रह गया है। एनसीपी ने शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, प्रहार जनशक्ति, क्रांतिकारी शेतकर पार्टी और 4 निर्दलियों समेत 161 विधायकों के साथ होने का दावा किया। एनसीपी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के पास केवल 121 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 105, अजीत पवार के 2, बहुजन विकास अघाड़ी के 3, शेतकरी कामगार पक्ष, जन सुराज्य पक्ष और राष्ट्रीय समाज पक्ष के 1-1 विधायक और 8 निर्दलियों का समर्थन है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की खबर उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें मीडिया में इस तरह की खबरें दिखी हैं। राउत ने दावा किया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो साजिश रच रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच तीनों दल के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मिले, उनके पास 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी विधायकों का दिल्ली में रेस्क्यू हुआ। गुड़गांव के एक होटल में, होटल अबराय में, रूम नंबर 5117 में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। वहाँ शिवसेना के लोग भी पहुँचे थे कल रात को, एनसीपी के प्रमुख लोग भी पहुँचे थे और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। जो बातें वो विधायक बता रहे हैं बीजेपी के बारे में, जिस प्रकार को उनको ऑफर दिया या दहशतगर्दी की, यही देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं। अजीत पवार को मनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना नेताओं ने बंद कमरे में शरद पवार से बात की। इस दौरान शिवसेना ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हर कुर्बानी देने का ऑफर दिया। खबर है कि शिवसेना अपनी तरफ से 5 साल तक मुख्यमंत्री रखने की मांग छोड़ने को तैयार है। अगर कांग्रेस और शरद पवार चाहें तो शिवसेना अजीत पवार को 2.5 साल के लिए सीएम बनाने को तैयार है, मगर पहले 2.5 साल सीएम शिवसेना का होगा। दरअसल बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज्यादा भद शिवसेना की पिटी है। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई खबर का पता नहीं है।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी और अजीत पवार पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा है। सामना ने लेख में अजीत पवार को एक भैंस करार दिया और कहा कि उनके साथ सरकार बनाना भैंसे से दूध निकालने जैसा है। ऑपरेशन कमल को उठाईगिरी यानी हॉर्स ट्रेडिंग बताते हुए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। कहा गया है कि बीजेपी ने सत्ता के लिए आचार और नीति को ताक पर रख दिया, फिर भी वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। सामना ने लिखा है कि लड्डू हजम होंगे क्या, बगावत असफल। एनसीपी के विधायकों को मुंबई के रेनेसा होटल से हयात होटल शिफ्ट कर दिया गया है। विधायकों को बस से हयात होटल ले जाया गया। अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही तीनों दलों के विधायक अब आसपास ही शिफ्ट हो गए हैं। इससे इनके बीच सामंजस्य बनाने में आसानी होगी। रविवार शाम तक रेनेसा होटल में एनसीपी के 54 में से 50 विधायक थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इनसे मुलाकात की। इस दौरान वहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रवक्ता संजय राउत भी पहुंचे। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर हो रहे मतदान में करीमपुर के बीजेपी उम्मीदवार ज्योति प्रकाश मजुमदार के साथ मारपीट हुई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य रूप से हिंसा हो रही है। दरअसल यहां दोनों पार्टियों की अग्नि परीक्षा हो रही है। कलियागंज सीट कांग्रेस विधायक प्रमथ नाथ राय के निधन से खाली हुई है, जबकि खड़गपुर सीट से पिछली बार विधायक चुने गए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से इस्तीफा दे दिया। करीमपुर के तृणमूल विधायक महुआ मित्र ने भी कृष्णनगर संसदीय सीट से जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से ये राहत तेज हवाओं की वजह से मिली है। हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण बढ़ाने वाले कणों में काफी कमी आई है। दिल्ली में प्रदूषण में पहले की तुलना में 100 अंकों का सुधार हुआ है। नोएडा में AQI 170 तक पहुंच गया है, जबकि गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। गुरुग्राम में AQI 279 दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के व्यापम की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 मामले में आज सजा का ऐलान हो सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान CBI की विशेष कोर्ट ने सभी 31 लोगों को दोषी करार दिया था। इनके लिए आज सजा का ऐलान किया जाएगा। ये मामला CBI की विशेष अदालत में चल रहा है। जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद से हिरासत में ले लिया गया है। 2013 में PMT परीक्षा के दौरान इंदौर में व्यापम घोटाले का पता चला। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच STF को दे दी थी। देश में NRC मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। इसी दौरान NRC के डर से अवैध प्रवासी भारत छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 हफ्तों में 200 से अधिक लोगों को सीमा पर घुसपैठ करते पकड़ा गया है। ये सब खुद को बांग्लादेशी बता रहे हैं। सीमा पर 1 से 10 नवंबर के बीच 204 लोग पकड़े गए। इनमें 67 बच्चे, 78 महिलाएं और 69 पुरुष हैं। ये सब 4-5 साल पहले बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए और कर्नाटक के बेंगलुरु में रहे। असम के बाद देश भर में NRC लिस्ट तैयार करने की खबर के बाद गिरफ्तारी के डर से ये सभी वापस बांग्लादेश लौट रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नसीहत दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना मुसलमानों के हित में नहीं है। आयोग ने AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी निशाने पर लिया। आयोग ने कहा है कि वो 5 एकड़ जमीन ले, मस्जिद कहीं और बनवाएं और मंदिर बनवाने में भी मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में शांति पर हर वक्त की तारीफ की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई साल से जारी राम मंदिर के समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 45 मिनट में कर दिया। लोगों ने जो समन्वय का परिचय दिया, इसके लिए सबको बधाई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। काला हिरण शिकार मामले में अब 27 जनवरी को सुनवाई होगी। आरोपी अभिनेता सैफ अली, नीलम तब्बू, सोनाली बेंद्रे, दुष्यंत सिंह को CJM ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए मामले में बरी कर दिया है। CJM ग्रामीण कोर्ट जोधपुर के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका डाली है। सुनवाई शुरू होते ही अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के वकील ने अदालत से वक्त मांगा, जिस पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए अदालत ने डेट दी। इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है।
हैदराबाद में टैंक बंड पर दो मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोपहिया वाहन पर सवार दो लोग रानीगंज की तरफ से टैंक कैरेजवे के ऊपर से गुजर रहे थे। दूसरा दोपहिया वाहन चालक रानीगंज से लिबर्टी की तरफ जा रहा था। दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना रिकॉर्ड हो गई। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ने अरब सागर में मिलिट्री ड्रिल किया। ईरान के साथ अमेरिका के बीच चल रहे झगड़े के कारण इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मिलिट्री ड्रिल अमेरिकी नौसेना की तैयारी देखने के लिए हुई। कमांडर माइकल बॉयल ने कहा कि अमेरिका की तैयारी यहां पूरी है, जो हमले के साथ बचाव भी कर सकती है। अब्राहम लिंकन 19 नवंबर को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंच गया था। खास बात यह है कि ड्रिल के दौरान अमेरिकी युद्धपोत का आमना सामना ईरान के युद्धपोत से भी हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के तेल का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी शहर गोमा में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लापता हो गया। नॉर्थ कीवे में सभी 26 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गोमा हवाई अड्डे के अधिकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। डॉर्नियर 228 विमान गोमा से 350 किलोमीटर उत्तर में स्थित बेनी जा रहा था और एक रिहायशी इलाके में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से कई इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे घरों को काफी नुकसान हुआ है। तेज बहाव की वजह से पेड़, कार और नावें बह गईं। बाढ़ में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बचाव दल के नाव से एक व्यक्ति गिर गया, जो अब तक लापता है। इसके अलावा बचाव कर्मियों को एक कार में शव मिला है। इसको देखते हुए राहत बचाव के काम में तेजी लाई गई, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।